डीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो ही चुकी है, तो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ताकि आप उन्हें पहले से ही इकट्ठा करके रख सको। डीयू की काउंसलिंग के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है, क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, सब कुछ मैंने बता दिया है, आप जाके देख सकते हो। सीयूटी यूजी के जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आज के वीडियो में यही हम देखने वाले हैं। आपके लिए डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपके पास बहुत ही कम समय बचता है और उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा सकते। तो अभी से जान लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और उन्हें तैयार करके रख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। सीयूटी यूजी का एग्जाम आपका खत्म होने वाला है, 31 मई तक आपके एग्जाम चल रहे हैं। इसके बाद जल्द ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और बीएचयू और डीयू सबसे पहले अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बनवा लेने हैं ताकि आप काउंसलिंग के वक्त परेशान ना हो, वो मैं बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपने फोटोग्राफ की जरूरत होती है। जो फोटोग्राफ आपने एडमिट कार्ड में चिपकाया था या जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया था एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, वही फोटोग्राफ की आपको 3 से 4 कॉपी रखनी होती है। 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखने होते हैं। अगर सेम टू सेम फोटोग्राफ नहीं है तो उससे मिलता जुलता फोटोग्राफ आप रखो, और बैकग्राउंड ब्लू और वाइट के अलावा किसी और कलर का नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। नीचे डेट और नेम लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया है उस दिन की डेट होनी चाहिए। आप अभी अगर फोटो खिंचवा रहे हो तो अभी की डेट मत डालना, जब आपने फॉर्म भरा था तब की डेट की चाहिए, ठीक है। अदरवाइज डेट लिखवाना ही मत, समझ गए। आगे बात करते हैं, फोटोग्राफ तो आपका मस्ट है, फोटोग्राफ 3 से 4 फोटोग्राफ आपको रखनी ही रखनी है, क्लियर। दूसरा, आपको अपना आधार कार्ड सही से रखना होगा। आपके आधार कार्ड में अगर नाम में, मम्मी पापा के नाम में, एड्रेस में कोई भी गलती है तो उसे अभी से सही करवा लो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम ये सब गलतियां एक्सेप्टेड नहीं होंगी। आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड या जो भी कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, जैसे पैन कार्ड यूज़ कर रहे हो तो पैन कार्ड, जो भी आपने कार्ड यूज़ किया था, खास करके आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं आधार कार्ड की बात बता रही हूँ, कम से कम अपना आधार कार्ड सही करवा के रखो। अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप अपना आधार कार्ड सही करवा सकते हो, ठीक है। फोटोग्राफ, आधार कार्ड, दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, आपकी जो मार्कशीट्स हैं, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट अगर आपकी अभी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग स्टार्ट होने तक तो आ ही जाएगी, ऐसा मैं समझती हूँ कि हर बोर्ड का तब तक तो हो ही जाएगा, तब तक मार्कशीट आ जाएगी। अगर नहीं भी आई है तो आप अपीयरिंग में डाल सकते हो, लेकिन अगर आ गई है तो ज़रूर से आपको मार्कशीट लगानी होगी, ठीक है। अगर किसी का कंपार्टमेंट लगा है बच्चों तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनको प्रॉब्लम आएगी एडमिशन में। प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर ले, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नहीं हो पाएगा अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है तो। और जिन बच्चों का आरटी लगा हुआ है, आरटी मतलब कि रिविजन थ्योरी लगा हुआ है, इसका कहने का मतलब है अगर आपका जिस सब्जेक्ट में आरटी लगा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज आप नहीं कर पाओगे, इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे मान लो आपका केमिस्ट्री में आरटी लगा है तो आप बीएससी इन केमिस्ट्री नहीं कर सकते, या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कोर्सेज है, जैसे कि बीएससी इन बायोलॉजी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा जाता है, तो वो कोर्स भी आप नहीं कर पाओगे। पर आप बीए कर सकते हो, क्योंकि बीए कोर्सेज में केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आरटी लगा है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मार्कशीट हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गई, ठीक है। 10th और 12th दोनों की मार्कशीट याद रखना। और किसी किसी बोर्ड के एग्जाम में मार्कशीट अलग होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो वो वाले बच्चे पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लगता है। एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है, वैसे मैंने बता रखा था सभी बच्चों को कि एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी करा के अपने पास रखे, काउंसलिंग में लगेगा, लेकिन बाय चांस आपके पास नहीं है तो आप दोबारा अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो। अभी निकलवा लो क्योंकि बाद में साइट वर्क नहीं करेगी बच्चों, तो एडमिट कार्ड निकलवा के रख लो। एडमिट कार्ड की कई सारी कॉपीज लग सकती है, कम से कम 3 कॉपी आपकी लग सकती है, तो एडमिट कार्ड निकलवा के रख लो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी निकलवा के रख लो, जो आपने फॉर्म भरते वक्त एक आपका कन्फर्मेशन पेज निकला होगा कि आपका फॉर्म भर गया है, तो वो वाला भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसकी भी कॉपी लगती है, अक्सर लगती है, लेकिन एडमिट कार्ड तो ज़रूर लगेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कभी कभी मांगता है, कभी कभी नहीं मांगता है,
थोड़ा बहुत अल्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड आपका जरूर लगेगा क्योंकि आपके रोल नंबर की आवश्यकता होती है। अगर कोई अपना रोल नंबर भूल गया है बच्चों, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉग इन करोगे तो वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अभी पोर्टल ओपन है, अभी कर लो, वरना बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, ठीक है, होता नहीं है जल्दी। आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से हो, OBC से हो, SC, ST, PWD से हो, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। EWS और OBC वालों का कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी पहले का है तो भी आपको उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। भले ही आपने फॉर्म भरते वक्त रिन्यू करवाया था, काउंसलिंग के लिए आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा बच्चों, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही एक्सेप्टेड है, उसके पहले का एक्सेप्टेड नहीं है, आप फंस जाओगे, तो उसे रिन्यू करा के रख लो, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, कभी कभी आपका डोमिसाइल भी मांगा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका डोमिसाइल यानी कि जहाँ के आप रहने वाले हो वो डोमिसाइल मांगती हैं, और आपका TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट 12th का वो मांगा जाता है। ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में मांगा जाता है, हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। तो डोमिसाइल अगर और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आप नहीं भी बनवा रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले वो सब के सब बनवाने पड़ेंगे। और अगर आपने 12th के बाद गैप किया है और आप BTech में या मेडिकल के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। गैप ईयर सर्टिफिकेट का मतलब है कि 12th के बाद कितने साल का आपने गैप लिया है, फिर जाके कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, तो उसे हम गैप ईयर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाओगे? इसके लिए आपको अपने तहसील पे जाना पड़ता है, तहसील पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे बनाने में। इसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन आप नहीं दे सकते, इसके लिए आपको तहसील पे जाके ही बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए, खास करके ये BTech वाले बच्चों के लिए मांगा जाता है और मेडिकल कोर्सेज में मांगा जाता है, बाकी कोर्स में जनरली मांगते नहीं हैं। पर बाई चांस कोई कॉलेज मांगे तो आप इसे बनवा सकते हो, 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है ये, ओके। बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आधार कार्ड, फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मार्कशीट्स, ठीक है, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए हर हाल में। इसके इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ये सारे होने चाहिए आपके पास, पहले से तैयार होने चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी 1 अप्रैल 2024 के बाद की होना चाहिए, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ओके। अब आप कहोगे, मैम आपने तो 3 ही डॉक्यूमेंट के बारे में बताए थे DU वाली काउंसलिंग की वीडियोस में। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं कि DU की काउंसलिंग की जो वीडियो है उसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट फेज के बारे में बताया है, और मैंने बताया कि टोटल 3 फेज होती हैं, तो तीनों फेज कंप्लीट होते होते इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो भी मैं बता रही हूँ, ओके। तो इसके लिए आप परेशान मत होना, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से बनवा के रख लो ताकि कोई दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। तो इन बातों का आप ध्यान रखना बच्चों, और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है आप कमेंट्स में मेंशन करो। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कल के मेरे नीट वाली काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के वीडियो पे बच्चों ने कमेंट किया था, तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया। इस तरह आपको भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करो, आपके भी कमेंट पे ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरी हर वीडियो आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही रहती है मैक्सिमम, कुछ कुछ वीडियोज़ मैं अपनी तरफ से डालती हूँ ताकि आपके नॉलेज में बातें रहें, ओके। CUT की काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होती है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है, तो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, आप जाके एक बार ज़रूर देखो, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कब स्टार्ट होगी वो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है कि आंसर की कब आएगी, कब स्टार्ट होगी काउंसलिंग, कब आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।